प्रिय दर्शकों, भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गीता हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। गीता में जो बातें बताई गई हैं, वह बिल्कुल सत्य हैं। अगर गीता में बताई गई अच्छी बातों को कोई इंसान अपने जीवन में उतार लेता है तो उस इंसान का जीवन सुधर जाता है और इंसान गलत दिशा में जाने से बच जाता है। गीता में सबसे बड़े पाप के बारे में भी बताया गया है, जिसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। अगर आप भी गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है यह जानना चाहते हैं तो आज का हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है और इससे मुक्ति कैसे प्राप्त करें। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान करने वाले हैं, तो आइए हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की वीडियो और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। गीता के अनुसार सबसे बड़े पापों के बारे में हमने बताया है। इसके अनुसार सबसे बड़ा पाप जीव हत्या को माना गया है। इसके बाद अन्य पापों की बारी आती है, लेकिन जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की जान लेता है या फिर किसी जानवर की जान लेता है तो यह जीव हत्या मानी जाती है। इस संसार में किसी व्यक्ति को किसी अन्य जीव की जान नहीं लेनी चाहिए, यह बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। इसके अलावा पेड़ पौधों को काटना भी एक महापाप बताया गया है। पेड़ पौधों में भी जान होती है, अगर आप पेड़ पौधे काटते हैं तो उनको कष्ट होता है, इसलिए इंसान को पेड़ पौधों को काटने से भी बचना चाहिए। इसके बाद नारी का सम्मान ना करना भी पाप माना जाता है। अगर किसी स्त्री का अपमान करते हैं तो गीता के अनुसार यह भी सबसे बड़ा पाप माना जाता है। भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति के कुछ उपाय भी बताए गए हैं। इनमें पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहला तरीका भगवान की भक्ति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पाप करते हैं तो आपको पाप करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे पापों की सजा हमें जरूर मिलती है। अगर गलती से कोई पाप हो जाता है तो हमें भगवान से उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए और दोबारा इस प्रकार का पाप नहीं होने का प्रण भी लेना चाहिए। भगवान की भक्ति से ही पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। पाप करना मतलब ईश्वर की इच्छा विरुद्ध काम करना माना जाता है। अगर आप पाप करते हैं तो ईश्वर आपको इसकी सजा देते हैं, इसलिए कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पाप अगर गलती से हो जाता है तो ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए। कुछ शास्त्रों और पुराणों के अनुसार पाप होने पर आपको आपके आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनसे पाप कर्मों की मुक्ति का ज्ञान लेना चाहिए। अगर आप अपने गुरु की प्रेम भाव से सेवा करते हैं और उनसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपको आपके पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि भले ही आपने पाप किए हों, लेकिन अगर आप दिव्य ज्ञान की नाव में स्थित हो जाते हैं तो आपके पापों का नाश होता है, इससे आपको दुखों से भी मुक्ति मिलती है।